जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा। हेलो, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और मुझे 5 साल से IBS का प्रॉब्लम है। सारा दवाई खा कर के थक गया हूँ। एंडोस्कोपी कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, ब्लड टेस्ट कराया, यूरिन टेस्ट कराया, स्टूल टेस्ट तक किया, सब में भी कुछ भी मतलब रिपोर्ट नहीं आया। थोड़ा सा बोल रहा है कि इन्फेक्शन हुआ है पेट में, तो एलोपैथी में दवाई खाते खाते थक गए हैं। तो एलोपैथी के बाद हम आयुर्वेदिक में भी पतंजलि के, वैद्यनाथ का, दुनिया भर का इतना दवा खाए, कुटजारी, स्कूटस, घनवटी, बेलवादी चूर्ण, तो कुछ दवाई में भी फ़र्क नहीं आया। दवाई खाते थे तब ठीक था, दवाई छोड़ते थे तो फिर प्रॉब्लम आता था। मेरे पेट में म्यूकोस बनता था, पेट में दर्द रहता था, जब खाना खाते हैं तो शौच के लिए जाना पड़ता है, मतलब शौच जाने के लिए इच्छा हमेशा बनी रहती है, और काम में भी कुछ मन नहीं करता है, तो हर समय थकान थकान सा लगता है शरीर में, मतलब परेशान हो गए हैं अब, मतलब सुसाइड करने का मन करता है। फिर कहीं बोलते मतलब किसी के साथ बातचीत करने का मतलब बातचीत करने में भी मन नहीं लगता है, किसी के दोस्त लोग के साथ भी घूमने का मन नहीं करता है, तो मतलब कुछ हमेशा अकेला रहने का मन करता है कि अकेला रहूं, आमने सामने कोई नहीं हो, अकेला जगह में बैठ के, मतलब ऐसा मतलब थॉट आता है हर टाइम माइंड में, उतना ऐसा चलता रहता है कि क्या बोलूं यार, बहुत बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत ये बीमारी हो के मतलब पूरा शरीर मेरा सूख गया है शरीर, तो अब सारा थक आयुर्वेदिक एलोपैथी थक गए हैं। दवाई करते करते तो एक विकास गुप्ता का यूट्यूब में एक वीडियो देखे कि IBS को ट्रीटमेंट कर रहा है, तो हम विकास गुप्ता भाई को फ़ोन किए, फ़ोन करके उसे बोले ट्रीटमेंट करने के लिए, तो वो बोले ठीक है ट्रीटमेंट करेंगे। तो आज से विकास गुप्ता जी का दवाई हम खा रहे हैं, ट्रीटमेंट मतलब आज दवाई बोले हैं कि खाने के लिए, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं विकास गुप्ता का दवाई। ठीक है, धन्यवाद। Excuses sound best to the person that's making them up. Stop feeling sorry for yourself. Get off the pity party. Telling everybody your sad and sob stories, trying to get people to show up to your pity parties and your pity parades. If you ever see me in a Rolls Royce, a 6 or 7 star hotel, living my life to the fullest, don't get jealous of me, because I work my ass off to get it. Nobody handed me nothing. Wake your ass up. Awaken the beast inside. It's game on. It's go season. It's time for you to take advantage of the access and the resources that you have in your country and your community. You got a problem with your life, you got a problem with your environment, do something about it. If you want it, go get it.